भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जोटा आसिक आज पहुंची ओडिशा गत कालीशा जनसाधारण एवं कांग्रेस दल तरफ भाव में स्वागत कर आसिलु एवं आज सका राउरकेल जो कार्यक्रम आरंभ हो तेणुक प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ राहुल जी को टीम को समस्त हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन कर विशेष भाव में ओडिशा जो मुद्दा 24 साल किसको कहते हैं भाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेडी और बीजेपी 9 साल दोनों मिल के शासन लगाए ओडिशा में। ओडिशा 2,27,000 पोस्ट खाली पड़ी वर्तमान लक्ष लक्ष पोस्ट खाली लक्ष लक्ष लोक ओडिशार माटी छाड़कर अन्य राज्य को जाऊँगी खाद्य अन्वेषण आसुच्च बाहर राज्य लोक मैंने कंटाटी करेंगे और ओडिया लोक मैंने बाली कह ये हूँ नवीन पटनायक जस्टिस ये हूँ नवीन पटनायक न्याय जो प्रकार भाव से शासन कर नवीन बाबू ओडिशा रे चलने नहीं देंगे हम पहले से भी पहले बोल रहा हूँ आज भी बोल रहा हूँ नवीन पटनायक का जंगल रात बंद होगा उसको कभी भी हम शांति से बैठने नहीं देंगे। लेकिन कथा हूँ गोटे गोटे कथा एमती अवस्था रही थी प्रत्येक दिन केवल ओडिशा रे 7 जन महिला अन्या अत्याचार कर आज चाषी समाज आज जो रेट अच्छी भारत बर्ष 10,000 के अप्रोक्सीमेटली ओडिशा चाषी मान आय हूँ 5,112 टंका 16 लक्ष ओडिशार गरीब लोक मैंने गोटे ओली खाइबा को पाई पाऊना एमती गाँ गोटे गोटे रही जो जगह की एम्बुलेंस का साउंड भी आता ऐसा गाँव है जो सुन भी नहीं पा रहा है खटिया में लेके पेशेंट को लेके जा रहे हैं अस्पताल। ये 25 साल का सरकार ये नवीन पटनायक का सरकार उधर कैंडिडेट देता है बीजेपी तो यहाँ समर्थन करता है ये बीजेपी लोकसभा में कोई भी बिल आ जाए तो उसको सपोर्ट करता है बीजेपी। रेलवे मंत्री अश्विनी कुमार को कौन दिया टिकट भाजपा ने दिया और यहाँ बीजेडी ने वोट देकर जीता के ले गया तो बीजेडी बीजेपी एक और बीजेडी बीजेपी विकल्प हो एकमात्र दल कांग्रेस जे कि सदा सर्वदा संघर्ष कर नवीन पटनायक सरकार को न हटेबा पर्यंत संघर्ष जारी रहिबो। तेणुकर मुझे सूचाई देवा चाहे चाषी विरोधी सरकार युव विरोधी सरकार महिला विरोधी सरकार छात्र विरोधी सरकार अरे ये सरकार क्या मैंने डर गया है नौजवानों को और स्टूडेंट्स लोग तो आज तक इलेक्शन भी करना नहीं देता स्कूल में कॉलेज में जो सरकार युवाओं और नौजवानों को और स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को अगर हार जाता है डर जाता है वो सरकार का पतन सुनिश्चित है। तो आने वाले समय में जरूर राहुल गांधी जी का जो संदेश उड़ीसा वासियों के लिए ये असर पड़ेगा और आने वाले समय में उड़ीसा में कांग्रेस सरकार जरूर बनेगा।